बात करते हैं सुल्तान रिजवी जो कि 2 बजे दोपहर के पेपर में एक आर्टिकल लगाए थे नशे को लेकर के। सर सबसे पहले तो ये बताइए आज की जो युवा पीढ़ी है ये नशे की दलदल में क्यों धंसते चले जा रही है? ये नशे के दलदल में जो युवा पीढ़ी है तो काफ़ी दिनों से जो है नौजवान इसके चपेट में है, क्योंकि बहुत से नौजवान जो बेरोज़गार रहते हैं उनको कोई काम धंधा नहीं रहता है और उनको टेंशन रहता है, इस वजह से भी वो नशे का इस्तेमाल करते हैं। और इन नशेड़ियों का एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप में जो है एक साथ ग्रुप वाइज जो है ये लोग नशा करते हैं। कोई चरस का इस्तेमाल करता है, कोई MD का इस्तेमाल करता है, कोई गांजे का इस्तेमाल करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा नौजवान जो नशेड़ी हो रहे हैं इसका सिरे जो है वो माँ बाप को भी जाता है। माँ बाप जो है वो अपने बेटों पे जो है अंकुश नहीं लगाते, उनकी देखभाल नहीं करते सही तरीके से कि हमारा बेटा घर से निकला है तो स्कूल गया है या कहीं पहाड़ी पर बैठ करके जंगल में जो है वो चरस और गांजा और भांग पी रहा है, तो जिसका गलत असर पड़ रहा है। इसमें जो है सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ी लापरवाही माँ बाप की है। अगर वो बचपने से ही जब से उसकी शुरुआत हुई है कंट्रोल में रहने वाला है, अगर वो लड़का है 14-15 साल का, तभी से अगर उस पर अंकुश लगाया जाए, उसको उसकी रोकथाम की जाए तो वो लड़का सुधर सकता है, नशेड़ी नहीं बन सकता। लेकिन माँ बाप लापरवाही करते हैं तो वही वो नशा भी करता है, राइडिंग भी करता है, चोरी चमारी भी करता है और आगे जा करके भी वो बर्बाद हो जाता है। तो इसमें जो है वो घर वालों की भी लापरवाही है, ऐसा नहीं, घर वालों की भी है इसमें लापरवाही, और समाज का तो असर पड़ते ही, जो उनके संगत के लोग रहते हैं तो एक हो जाते हैं, फिर वो नशेड़ियों का एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, फिर वो इस तरीके से वो अपराधों को भी अंजाम देते, नशा भी करते और तरह तरह के जो है गुनाह करते रहते। सर आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि रोजगार यहाँ के नहीं है, तो यहाँ के तो जितने पॉलिटिकल पार्टी वाले मैं तो देखा हूँ विकास ढूंढने में लोग लगे हुए हैं, तो ये ऐसा कुछ करते कि नहीं? जैसे कि RTE एक चला था बच्चों के लिए, तो वो RTE के लिए क्यों नहीं लड़ते? नहीं, वो क्या करेंगे, वो इसका प्रोसीजर ही इतना लंबा है कि उसको जो है फॉलो नहीं कर पाते। और बेरोजगारी तो है ही है, इतना क्वालिफाइड नहीं है, जो बच्चे हैं इतना क्वालिफाइड नहीं है, उन्होंने डिग्रियां तो ले ली हैं लेकिन वो डिग्रियां अभी कहना नहीं चाहिए, वो कैसे हासिल करते हैं अभी बहुत बड़ी बात हो जाएगी उसको कहना। कि अगर उसको अंदर से देखा जाए तो उनके में क्वालिफिकेशन, खाली कहने की जो है मतलब कि ये पढ़े लिखे हैं, अगर इनको किसी कंपटीशन में बैठा दिया जाए तो शायद ही जो है ये कंपटीशन में ये सही उतरें। ऐसा नहीं है कि हमारे मुमरा में सभी बच्चे ऐसे हैं, बहुत से बच्चों ने बहुत ही नाम कमाया है, बहुत दूर दूर तक जो है मतलब कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई आयुक्त है, बड़े बड़े, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश जो हैं वो देखा जाता है कि वो जो है मतलब ध्यान नहीं देते हैं, खाली वो डिग्री हासिल कर लिए, अगर उनको किसी कंपटीशन में अगर बैठना हुआ तो वो जो है मतलब नहीं पास होते हैं, नहीं जो है उनको कामयाबी मिलती है। इसकी वजह है कि हम सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, घूमते ज़्यादा हैं, नशा करते हैं, पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देते हैं, इस वजह से। सर जैसे कि आपने बोला था नशे को लेकर, जैसे कि सब लोग कोई कोई जो क्वालिफाइड हो जाते हैं, जिनके पास डिग्रियां आ जाती है, जो जॉब के लिए अगर बाहर जाते हैं, तो मुमरा नाम सुन के इनके दिमाग में ऐसा क्या पैदा हो जाता है कि बोलते हैं मुमरा एक टेररिस्ट है या एक अजम्पशन है, क्यों ऐसा? हाँ वजह, नाम कौन बिगाड़ रहा है? हाँ वजह है, असल में मुमरा का नाम कई बातों से जो है मतलब हाईलाइट हुआ है। सबसे पहले तो मुमरा का नाम जो उभरा है वो जहाँ तक मेरा ख्याल है 96 में जो है उभरा था, एक मौलाना अब्दुल हन्नान थे रशीद कंपाउंड में, और उन्होंने एक जिसको ट्यूशन पढ़ाते थे उसी बच्ची के साथ उन्होंने गलत किया और उसके बाद में वो हमला हो गई, फिर उसको जो है अपने पाप को छिपाने के लिए उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिया, और इससे जो है मौलाना हन्नान पकड़े गए और काफ़ी हाईलाइट हुआ।
ये मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ, दूसरे देशों तक गया ये खबर गई कि मुमरा के किसी मस्जिद के मौलाना ने ऐसा कांड किया। और उसके बाद में एक बार जो है वो अलमास कॉलोनी से कई कश्मीरी पकड़े गए, उन्हें कहा उनको ये कहा गया कि ये आतंकवादी थे, अवैध असलाह था इनके पास, बाद में जो कि वो जो है मतलब निराधार साबित हुआ, वो जुर्म बेजुर्म साबित हुए, वो एक जो है यहाँ पर वॉचमैन थे और उनको आतंकवादी बता करके जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनको जेल तक भेजा। उसके बाद में एक इशरत जहाँ का मामला आया, इशरत जहाँ को अहमदाबाद में वो इनकाउंटर में मार दिया गुजरात पुलिस ने और कहा ये बहुत बड़ी जो है आतंकवादी थे और उनके साथ दो तीन लोगों को और मार दिया। ये भी जो है मामला पूरे दुनिया में चला, हर मीडिया में चला, तो वो नाम आया मुमरा का। कहाँ की थी इशरत जहाँ? मुमरा की, जो कि इशरत जहाँ ऐसी नहीं थी। इशरत जहाँ एक तालिबे इल्म थी, अच्छी लड़की थी, अच्छी पढ़ाई लिखाई करती थी, अच्छे ख़ानदान की थी, लेकिन वो बिजनेस के पर्पज में अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रही थी अहमदाबाद और फिर उनको जो है वहाँ इनकाउंटर कर दिया गया और मार दिया गया और उसमें जो है इनकाउंटर का रूप दे दिया गया। अब वो तो कुछ जाँच का विषय है, कोर्ट में अभी भी मामला चल रहा है, उसके बारे में पूरी तरीके से हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये जो मामला हुआ इशरत जहाँ का, वहाँ से उसकी लाश आई और 50,000 लोग बहुत से कितनी पब्लिक जो है उसके जनाजे में थी, पूरी शहर की पूरे देश की मीडिया मुमरा में आ गई थी, तो काफ़ी हाईलाइट हुआ। तो इस सबसे मुमरा जो है वो बदनाम हुआ, ये मुमरा जो है बदनाम हुआ कि मुमरा की आतंकवादी, फिर मुमरा का एक आतंकवादी कश्मीर में जो आया, इस सब बातों से। एक बार अबू सलेम का भी किस्सा चला कि उनकी माँ का इलाज यहाँ हो रहा था, अबू सलेम जो इस वक्त अंदर हैं अंडरवर्ल्ड, तो ये सब वजह से जो है मुमरा का नाम बदनाम हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं कि मुमरा हमारा ख़राब है, हमारे मुमरा में बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे मुमरा में जो इंसानियत है वो शायद किसी शहर में हो, शायद ही किसी देश में हो, कि हमारे मुमरा, हमारा मुमरा एक मिसाल है, इंसानियत की एक मिसाल है, कि अगर कोई हिंदू भाई भी परेशान है तो यहाँ के मुसलमान भाई उसकी मदद करते हैं। तो छोटा पाकिस्तान क्यों बोलते हैं? अब छोटा पाकिस्तान जहाँ पर मुस्लिम की आबादी होती है, मुस्लिम बाहुल इलाका होता है, वहाँ पे जो है मीडिया वो छोटा पाकिस्तान का रूप दे देते हैं कि ये छोटा पाकिस्तान है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ज़्यादा मुसलमान है इसलिए उसको छोटा पाकिस्तान कहते हैं। सर बात तो नशे की, तो अभी हाल ही में रशीद कंपाउंड में 2 रुपए के लिए एक बच्चे का गला ब्लेड से काट दिया गया था। तो अगर पहले से ये नशे को अगर रोक लिया जाता मुमरा में तो आज ऐसा नहीं होता। तो इसकी वजह क्या है जो अभी भी नशा खुलेआम बिक रहा है? हाँ, नशा तो खुलेआम बिक रहा है, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। शायद हमको तो नहीं उम्मीद लगता कि नशा कोई रोक पाएगा। हमने तो जब से कदम रखा है 96 से, तब से नशा में सुन रहा हूँ। हमारे एक पत्रकार साथी थे, उनकी बेटी को भी नशा करा दिया था और बहुत ही बड़ा कांड हुआ उसके साथ में। वो बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी और उसको मैं बयान करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पुलिस इस पर जो है रोक नहीं लगाती। हमारे शहर के परिमंडल एक के जो DCP स्वामी साहब हैं, डॉक्टर स्वामी साहब, वो काफ़ी उन्होंने कंट्रोल किया है। ACP साहब भी कोशिश करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट नशे को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं जब किसी की रोजी रोटी ही नशा बेचने का हो? अरे भाई, कितना कंट्रोल कर सकते हैं? अभी मुमरा स्टेशन के ठीक सामने डेली नशे की पुड़िया बिकती है, वो भी कम एज वाले बेचते हैं और कम एज वाले बेचते हैं खुलेआम। आप जो है, अभी मैंने खबर छापी है दोपहर में कि वन विभाग की जमीन पर झोपड़े बने हुए, वहां पर नशे का बड़े पैमाने पे कारोबार हो रहा है। कहां तक रोक पाएंगे पुलिस जो है, कहां तक? एक एक के पीछे जो है पुलिस नहीं रह सकती, इतनी पुलिस तो है नहीं कि एक एक अपराधी के पीछे दौड़ेगी, एक एक की सुरक्षा के लिए उसके पीछे दौड़ेगी। पता चला कि लाखों पुलिस आ जाएगी फिर भी नहीं कंट्रोल कर सकते, तो मुमरा का हाल सर कैसे भी बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है। इसमें जिस तरीके से ये नशेड़ी हैं, इनको सबको एक करके इनको समझाने की ज़रूरत है, नशे पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। वो एक
मोहब्बत से भी उनको रोका जा सकता है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि इनको कठोरता से पेश आया जाए, सख्ती से, वहाँ सख्ती करने की ज़रूरत है, तभी हम रोक सकते हैं। और इसका मतलब स्रोत कहाँ है? मेन असल ये है कि अगर पुलिस कहीं से नशे का सामान बरामद करती है तो पुलिस को, मैं ये पुलिस से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुलिस जो भी जांच एजेंसी है, वो चाहे क्राइम ब्रांच हो या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो या सिविल पुलिस हो, उसको सबसे पहले स्रोत देखना चाहिए कि ये नशे का सामान कहाँ से आया, मुमरा में कौन लाता है और मुमरा से कौन जाता है, बम्बई में कौन सप्लाई करता है और बम्बई वाले को कौन सप्लाई करता है, ये मेन आता कहाँ से है। उस जखीरे पे, उस भंडार पे जो है हमला करना चाहिए पुलिस को, उस पर छापा मारना चाहिए, और जो नशा माफिया उनको मेन को पकड़ना चाहिए, तभी इस पर रोक लगाते हैं। उस पर रोक, मेन को जो असल है, जो मेन नशा माफिया है, उसको पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। मुमरा तक ही है, मुमरा तक कार्रवाई होकर के फिर ख़त्म। उसके बाद में पता चला कि वो नशेड़ी को पकड़ा, बेचते हुए पकड़ा या खाते हुए पीते हुए पकड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई, बस वहीं पर मामला दब गया। ये आता कहाँ से है, इसका जखीरा कहाँ है, इसका भंडार कहाँ है, इस नशे का कारखाना कहाँ है, वहाँ तक पुलिस को हाथ डालना चाहिए, तभी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं लगाया जा सकता है। ये नेपाल से आता है कि यूपी से आता है कि एमपी से आता है कि बिहार से आता है, कहाँ से आता है, वहाँ तक पुलिस को जाना चाहिए। और वहाँ तक जा करके जब मेन नशा माफिया को पकड़ा जाएगा, तभी इस पर कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो नामुमकिन है। तो मुमरा के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, मुमरा के लिए हम मैसेज देना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन से जो है, काफ़ी दिनों से नशे पर कंट्रोल हुआ है, जो बड़े बड़े कुछ बहुत खूंखार नशेड़ी थी, वो भी सुधर के अब समाज में आ गए हैं, अच्छे इंसान बन गए हैं। इसी तरीके से और जो नशा करते हैं, जो नशेड़ी हैं, उनसे भी हमारा ये निवेदन है, हमारी अपील है कि वो भी एक अच्छा इंसान बने, समाज में बैठें, अपने दीन धर्म को समझें, ना कि जो है नशा का इस्तेमाल करके हैवानियत अख्तियार करें।